इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं सनम रे और विक्की डोनर जैसे हिट फिल्मों में काम कर चुकी एक्ट्रेस यामी गौतम के बारे में। यामी गौतम को तो आप सब जानते होंगे, इन्होंने कई लैंग्वेज की फिल्मों में काम किया है। वहीं मैं आपको बता दूं, यामी गौतम ने अभी हाल ही में शादी कर ली है। लेकिन क्या आप इनकी बायोग्राफी और लाइफ स्टाइल के बारे में जानते हैं कि आखिर इन्होंने कैसे मुकाम हासिल किया और अब कैसी लाइफ जी रही हैं? तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना क्योंकि इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल, एज, एजुकेशन, करियर, बायोग्राफी, नेटवर्थ एंड कार कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो कर दे लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। यामी गौतम का जन्म 28 नवंबर 1988 को बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश, इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से 32 साल की हैं। यामी गौतम प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस और मॉडल है। दोस्तों, यामी ने अपने स्कूल की पढ़ाई रेगुलर स्कूल चंडीगढ़ से की और फिर इन्होंने एडमिशन लिया पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, जहां से ये लॉ कर रही थी। यामी बचपन में एक आईएएस बनना चाहती थी, लेकिन जब ये 20 साल की हुई तो इन्होंने सोचा एक्टिंग में करियर बनाने के लिए, जिसके लिए इन्होंने फर्स्ट ईयर में कॉलेज छोड़ दिया और एक्टिंग की ओर चली गई और बाद में इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई, महाराष्ट्र से की। अब बात करते हैं यामी गौतम के करियर के बारे में। यामी ने अपने करियर की शुरुआत 2008 में इमेजिन टीवी के सीरियल चांद के पार चलो से की, जिसमें इन्होंने सना का किरदार निभाया और इसी साल साथ ही साथ यामी इमेजिन टीवी के सीरियल राजकुमार आर्यन में काम कर रही थी और इनकी एक्टिंग को देखते हुए इनको पहली फिल्म मिल गई और यामी ने 2009 में डेब्यू किया कन्नड़ फिल्म उलासा उत्साह से और 2011 में यामी ने डेब्यू किया पंजाबी फिल्म एक नूर से और इसी साल इन्होंने तेलुगु में भी डेब्यू कर लिया फिल्म नुविला से और 2012 में यामी ने आयुष्मान के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म विक्की डोनर से और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही सुपरहिट हो गई और अच्छा खासा कलेक्शन किया और इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि इन्होंने मलयालम और साथ ही साथ तमिल में भी डेब्यू कर लिया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यामी ने 6 लैंग्वेज के फिल्मों में काम किया है, जिनमें से कुछ फिल्मों के नाम है टोटल स्यापा, युद्धम, एक्शन जैक्शन, बदलापुर, सनम रे, जुनूनियत, काबिल, यूरी द सर्जिकल स्ट्राइक और बाला। और अभी 2020 में इनकी फिल्म आई जिस फिल्म का नाम था गिन्नी वेट सन्नी और यामी की आने वाली फिल्म है भूत पुलिस 10वीं और 8 थर्सडे। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना यामी गौतम आपको कैसी लगती हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको यामी गौतम की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है मुकेश गौतम, जो कि एक पंजाबी फिल्म डायरेक्टर है और इनकी मदर का नाम है अंजलि गौतम और इनके एक छोटे भाई भी है जिनका नाम है ओजस गौतम और दोस्तों, इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है सुरीली गौतम और ये भी एक एक्ट्रेस है। बात करें इनके हस्बैंड के बारे में तो मैं आपको बता दूं, यामी गौतम ने 2021 में आदित्य धर से शादी की, जो कि एक डायरेक्टर हैं। बात करें यामी गौतम के हाउस के बारे में तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यामी गौतम वैसे तो मुंबई, महाराष्ट्र में रहती हैं, लेकिन इनका चंडीगढ़ में भी घर है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में तो इनके पास कार है ऑडी A4 जिसकी कीमत है लगभग 43 लाख रुपीज और इसके अलावा इनके पास कई लग्जरी कार है जैसे कि BMW की। वहीं बात करें इनके इनकम के बारे में तो मैं आपको बता दूं, ये एक फिल्म करने के लिए लेती हैं 2 करोड़ रुपए और यामी की ज़्यादातर इनकम ब्रांड एंडोर्समेंट से होती है और ये कई ब्रांड को इंडोर्स करती हैं जिसके लिए वो चार्ज करती हैं 1 करोड़ रुपए। चलिए देखते हैं इनका नेटवर्थ कितना है। तो दोस्तों, इनका नेटवर्थ है 38 करोड़ रुपए। तो ये थी यामी गौतम की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो के सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।